सो गाइज, सैमसंग गैलेक्सी A54 इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन्स रिलीज्ड इन 2023, और ये खासकर जो है मिड रेंज स्मार्टफोन लवर्स को जो है टारगेट करता है ग्लोबली, और इंडिया में भी बहुत सारे स्पेक्स के साथ जो है रिलीज किया गया है, विच आई विल डिस्कस इन अ फ्यू मिनट्स। और इसको रिलीज हुए जो है 2-3 महीने भी हो चुके हैं, तो ये परफेक्ट टाइम है इसको रिव्यू करने का। तो स्पेक्स के बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, साथ ही ये भी जान लेंगे कि जिस प्राइस रेंज में ये रिलीज किया गया है इंडिया में, वैल्यू फॉर मनी साबित होगा या नहीं। तो दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहें, और हमेशा की तरह शुरू करने से पहले इस वीडियो को मैं यही कहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाएं, और वीडियो पसंद आ जाए तो दोस्तों लाइक और शेयर जो है जरूर करते हुए जाएं, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलती है। इसी तरह के वीडियोस आपके सामने मैं हमेशा लाता रहूंगा। डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की यहाँ पे बात कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो दोस्तों, यहाँ पे पॉप आउट कैमरा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल S23 की तरह, एक रेगुलर S23 की तरह इन हैंड फील आपको जो है देता है। फ्रंट और बैक में जो है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। प्लास्टिक की फ्रेम यहाँ आपको देखने को मिलती है। स्टीरियो स्पीकर्स का एक काफी डिसेंट सा जो है सेटअप आपको देखने को मिलता है, जो काफी लाउड और क्लियर पाए जाते हैं। इसके अलावा नैनो सिम और ई सिम का भी सपोर्ट यहाँ आपको दिया हुआ है। चार्जिंग के लिए जो है USB टाइप सी यहाँ आपको देखने को मिलती है। IP67 की जो है वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट की रेटिंग भी आपको मिल जाती है, लेकिन वायरलेस चार्जिंग का यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। डिवाइस का वेट भी जो है अच्छा खासा है, 202 ग्राम का है, और 4 बहुत ही अच्छे कलर्स में जो है रिलीज किया गया है, लाइम, ग्रेफाइट, वायलेट और व्हाइट, और ये चारों कलर्स आपको जो है अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे जो है अवेलेबल हो जाएंगे। सो बिल्ड क्वालिटी जो है काफी अच्छी है और काफी सॉलिड फील होता है डिवाइस, और अभी तक तो बिल्ड से रिलेटेड कोई भी इश्यू जो है सामने नहीं आया है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.4 इंचेस की 1080p 120Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, जिसकी मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस जो है 1000 निट्स तक जो है जाती है, यानी कि आउटडोर विजिबिलिटी में आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी जो है नहीं होगी। डिस्प्ले जो है काफी शार्प है, 403 की जो है लगभग पिक्सल पर इंच की जो है डिस्प्ले डेंसिटी आपको देखने को मिल जाती है। इसके अलावा काफी ज्यादा कलर एक्यूरेट डिस्प्ले भी है, HDR10+ के कंटेंट भी जो है इजिली आप व्यू कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। सो हाँ, यहाँ पे डिस्प्ले की क्वालिटी जो है मुझे काफी अच्छी लगी है। बेजल्स भी जो है काफी यूनिफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं, और होल पंच डिस्प्ले है, सेंटर्ड होल पंच, तो कंटेंट व्यू करने में जो है ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगी। सॉफ्टवेयर की दोस्तों बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको One UI 5.1 देखने को मिलेगा, जो कि Android 13 पर बेस्ड है। इसके अलावा सैमसंग जो है लॉन्ग टर्म सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी प्रॉमिस कर रही है, यानी कि 4 साल तक के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे और 5 साल तक के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे, द बेस्ट दैट एंड्रॉइड ऑफर्स टुडे, इवन बेटर देन द गूगल पिक्सल्स। प्रोसेसर की बात करें दोस्तों तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ आपको प्रोसेसर में थोड़ा सा अपग्रेड देखने को मिलेगा। एक्सिनोस चिपसेट है, जो कि सैमसंग का इन हाउस चिपसेट है, एक्सिनोस 1380 प्रोसेसर यहाँ आपको देखने को मिलेगा, जो कि बुरा नहीं है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल CPU और पावरफुल GPU आपको देखने को मिलता है, मतलब यही कि आप जो है डेली के टास्क जो है इजिली कर सकते हैं और काफी स्मूथ जो है फील होता है। हाई ग्राफिक के गेम्स भी जो है आप खेल सकते हैं, बट लॉन्ग सेशंस अगर आप खेलेंगे तो थोड़ा बहुत जो है फ्रेम ड्रॉप आपको फील होगा, और ये कहूंगा कि इस एक्सिनोस चिपसेट का जो है थर्मल मैनेजमेंट जो है मुझे उतना खास पसंद नहीं आया, यानी डिवाइस जो है थोड़ा बहुत आपको हीट होते हुए फील होगी। रैम और स्टोरेज की दोस्तों बात करें तो यहाँ आपको आइदर 8GB की रैम और 128GB की स्टोरेज देखने को मिलती है, अदरवाइज 8GB की रैम और 256GB की जो है स्टोरेज देखने को मिलती है, यानी कि सिर्फ 2 वेरिएंट्स ही आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों, कैमरा की अब बात कर लेते हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि यहाँ आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट देखने को मिलता है। जो मेन कैमरा है वो 50MP का है, जो कि पिक्सल विनिंग के कारण 12.5MP के इमेजेस लेता है और काफी अच्छे इमेजेस लेता है, मतलब कि कलर एक्यूरेसी काफी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, एक सैमसंग का टिपिकल शार्पनिंग इफेक्ट जो है देखने को मिलता है, काफी हाई कॉन्ट्रास्ट जो है इमेजेस देखने को मिलते हैं, डायनेमिक रेंज जो है काफी कमाल की होती है, इवन पोर्ट्रेट फोटोज भी जो है काफी अच्छे निकल कर आते हैं, और नाइट टाइम के फोटोज भी मेन कैमरा से काफी अच्छे निकल कर आते हैं। इसके अलावा 12MP का एक अल्ट्रा वाइड लेंस भी है, जो कि 123 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू के साथ आता है। मेन कैमरा के साथ जो है कंसिस्टेंसी रहती है अल्ट्रा वाइड कैमरा की भी, यानी कि किसी भी तरह का कलर शिफ्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, इमेजेस जो है काफी डिटेल्ड आते हैं, और इसमें भी जो है डायनेमिक रेंज HDR इफेक्ट जो है काफी अच्छी आपको देखने को मिलती है। 5MP का जो है एक मैक्रो लेंस भी है, जो कि ओकेश फोटो वगैरह लेता है। इसके अलावा 32MP का जो है
एक सेल्फी लेंस है जो कि पिक्सल विनिंग के कारण 12 मेगापिक्सल्स के सेल्फीज जो है लेता है, और सेल्फीज में कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी सेंट्रिक स्मार्टफोन्स, मतलब कि सेल्फीज जो है काफी अच्छे आते हैं, एक्सेलेंट डायनेमिक रेंज, देर इज अ नेचुरल इफेक्ट इन द सेल्फीज विच इज क्वाइट गुड। अब वीडियो रिकॉर्डिंग की हम लोग बात कर लेते हैं, तो फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से 4K 30 FPS तक आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस प्राइस रेंज में बहुत कम ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो फ्रंट कैमरा में भी 4K 30 का सपोर्ट देते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग भी बहुत हद तक जो है यूजेबल है, और उसमें भी जो है HDR का काम काफी अच्छा किया गया है। सो एक सेंटेंस में अगर मुझे कहना हो तो यही कहूंगा दोस्तों कि कैमरा सिस्टम जो है काफी अच्छा है इस स्मार्टफोन का। अगर आप कंपटीशन से जो है कंपेयर ना करें, यू विल बी हैप्पी विद दिस स्मार्टफोन्स कैमरा। अदर फीचर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, NFC सैमसंग पे रीजन के हिसाब से उसका सपोर्ट भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा, और बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के लिए जो है अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। ये काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट फील हुआ मुझे। अब दोस्तों बैटरी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी दी गई है जो कि इजीली जो है एक दिन आपको निकाल के दे सकती है। बहुत सारे कैजुअल यूसेज के लिए जो है 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप भी जो है निकाल के दे सकती है। लेकिन सबसे बड़ी खराबी मुझे यही लगी कि बॉक्स के अंदर एक तो आपको चार्जर देखने को नहीं मिलता है, और जो वायर्ड चार्जिंग है वो सिर्फ 25 वाट तक ही सीमित है, यानी कि 2023 के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 45 वाट यानी कि 45 वाट तक देना चाहिए था वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट, बट ऐसा नहीं है, तो ये चीज़ जो है मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंट की है। अब दोस्तों प्राइसिंग की बात कर लेते हैं, तो रेगुलर प्राइसिंग के ही मैं यहाँ पे बात करूँगा। जो 8GB रैम और 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट है वो जो है आपको 37,999 रुपीज़ में अवेलेबल है, जबकि 8GB रैम और 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है जो कि हायर वेरिएंट है वो 40,999 रुपीज़ में जो है अवेलेबल है। हाँ, बहुत सारे लोगों को जो है ये ओवर प्राइस्ड लगेगा, बट स्पेक्स जो है काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है इस स्मार्टफोन में। जो स्लो वायर्ड चार्जिंग है और जो वायरलेस चार्जिंग नहीं दिया गया है उसे अगर हम इग्नोर कर दें, तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक जो है फ्लैगशिप लेवल की आपको देखने को मिल जाती है इस स्मार्टफोन में। सो सभी स्पेसिफिकेशंस के बारे में तो दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, अब फाइनली ये डिस्कस कर लेते हैं यानी कि कंक्लूजन पर आते हैं कि आपको फ़िलहाल ये स्मार्टफोन ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि सैमसंग के ए सीरीज़ के स्मार्टफोन्स जो है हर साल टॉप 10 मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन्स की लिस्ट में आ ही जाते हैं, तो जाहिर सी बात है ए सीरीज के स्मार्टफोन्स में कोई खराबी ऐसी नहीं है जिसके कारण आप उसे ना खरीदें। और ये स्मार्टफोन गैलेक्सी A54 भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर डिवाइस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है, और काफी ज्यादा जो है अच्छा सेल होने वाला भी है। सो अगर आपको सैमसंग के ए सीरीज के स्मार्टफोन्स जो है काफी पसंद है और ए सीरीज के स्मार्टफोन के लिए ज्यादा पैसे आप खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप जरूर से जरूर इस डिवाइस को ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत अब यहाँ पर आती है, अगर आप जो है कंपटीशन की तरफ देखेंगे, फॉर एग्जांपल इसके प्राइस के आसपास जो डिवाइसेस लॉन्च हुए हैं वो है पिक्सल 7a और नथिंग फोन 2, तो जो है आपको उन दोनों डिवाइसेस में जो है बहुत ज़्यादा चॉइसेस देखने को मिलेंगी कंपेयर टू द गैलेक्सी A54। सो एट लास्ट मैं यही कहूँगा कि आपको A54 इसीलिए ख़रीदना चाहिए क्योंकि आप एक सैमसंग लवर है और लॉन्ग टर्म जो है सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है जरूर करते हुए जाएं, और हमारे चैनल को जो है सपोर्ट जरूर करें, क्योंकि आपका सपोर्ट अगर नहीं मिलेगा तो ये चैनल जो है ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता है। आपका सपोर्ट ही जो है सब कुछ है मेरे लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों पीस।